दोस्तों, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के तरफ से एक नया गाइडलाइन जो है जारी किया गया था, जो कि आपको पता होगा कि आपके पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और इसका जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 है, यानी कि इसके पहले आपके पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और इसके लिए आपको जो है 1000 रुपए का जो है चालान कटना पड़ रहा है ऑनलाइन। तो काफी सारे लोग जो है ये 1000 रुपए के चलते अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर रहे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो कृपया करके ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आपके भी अगर पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है या फिर आप लिंक करना नहीं चाह रहे तो आप एक जो है बहुत बड़े गलती करने जा रहे हैं। मेरे बात पर आप यकीन मानिए, आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो बाद में। पर मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैन कार्ड का एक नया अपडेट काफी समय से आया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक जिन लोगों के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा उन सभी लोगों का पैन कार्ड जो है इनवैलिड माना जाएगा या फिर नॉन एक्टिव पैन कार्ड माना जाएगा और वो पैन कार्ड को आप किसी भी काम के लिए जो है यूज नहीं कर पाएंगे। और इससे आपको नुकसान क्या होने वाला है आप सभी को ये मैं आपको बता देता हूँ। आप तो जो है ना ही कोई बैंक अकाउंट में एक नए बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, ना ही आप जो है आपके कोई भी अगर बैंक अकाउंट है उसमें आप 50,000 रुपये से ज्यादा जो है कोई भी अमाउंट का लेन देन नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप कोई भी GST या फिर ITR फाइल रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कोई भी डिमांट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे अगर आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा। तो आपका जो पैन कार्ड है एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो है बनके रह जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड आज ही लिंक कर लेना चाहिए। क्या पता ये जो अभी 1000 रुपया जो है पेनाल्टी लग रहा है 31 मार्च 2023 तक, उसके बाद आप अगर करेंगे शायद 10,000 रुपया का भी जो है जुर्माना लग सकता है। तो आप भी अगर आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के आई बटन में जाके एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो को देख के आप काफी आसानी से आपके मोबाइल फोन से ही आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से साथ लिंक नहीं रहेगा तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आया है और इस जानकारी से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।